श्रद्धा हत्या जैसा एक और मामला सामने आया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां मुंबई मर्डर केस में जिस आदमी ने अपने लिव इन पार्टनर को मर्डर मौत के घाट उतार दिया है, उसी के जैसा एक मामला जो इस समय लोगों के रोंगटे खड़ा कर दे रहा है। जहां लाश के टुकड़े को कुकर में उबाल कर कुत्ते को खिला देता था मनोज, आइए डालते हैं इस अपराध जगत की बड़ी खबर पर। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड से भी भयानक एक वारदात मुंबई में सामने आई है। यहाँ मीरा रोड की एक 36 साल की महिला की उसके लिव इन पार्टनर मनोज साहनी ने हत्या कर दी। लिव इन पार्टनर ने हत्या के बाद युवती के शरीर के टुकड़े किए और उन्हें धीरे धीरे डिस्पोज करने लगा। हैरानी की बात यह है कि उसने टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए अजीब तरीका अपनाया। ये टुकड़ों को कुकर में उबालता, उसके बाद उन्हें ठिकाने लगाता। सूत्रों की माने तो उबालने के बाद वो टुकड़ों को पीसकर टॉयलेट में फ्लश करता ताकि हत्या का किसी को पता ना चले। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो कुत्तों को ये टुकड़े खिलाता था। जब पड़ोसियों को घर से बदबू आई तो हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस को अभी महिला के सिर्फ पैर मिले हैं। लिव इन पार्टनर की हत्या करके टुकड़े करने का मुंबई में दो हफ्ते में दूसरा मामला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मनोज साहनी जो कि 56 साल का है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भागने की कोशिश कर रहा था तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मनोज ने महिला की हत्या का कारण फिलहाल साफ नहीं किया है। नया नगर पुलिस ने बताया कि सरस्वती वैद 36 साल की थी, वो 56 साल के मनोज साहनी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। दोनों गीता नगर फेज 7 में गीता आकाशदीप बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 704 में किराए पर रहते थे। दोनों 3 साल पहले यहां रहने आए थे। बुधवार शाम को पुलिस को इमारत के निवासियों का फोन आया कि फ्लैट नंबर 704 से बदबू आ रही है। पुलिस की टीम फ्लैट में पहुंची और दरवाजे की बेल बजाई। मनोज साहनी ने दरवाजा खोला, वो पुलिस को देखकर डर गया। इधर दरवाजा खुलते ही पुलिस को तेज दुर्गंध आई। मनोज ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब पुलिस फ्लैट में दाखिल हुई तो वहाँ एक महिला के पैर मिले। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन पैरों के अलावा कुछ नहीं मिला। जब मनोज से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये सरस्वती के पैर हैं और उसने हत्या करके उसके टुकड़े कर दिए हैं। उसने ये भी बताया कि वो बीते 3 दिनों से शव के टुकड़े करके ठिकाने लगा रहा था। मनोज ने बताया कि उसने सरस्वती का गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर आरी से उसके टुकड़े किए। वहीं पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि साहनी को पिछले 2-3 दिनों से इलाके में आवारा कुत्तों को खाना खिलाते देखा गया। पुलिस को किचन में गंदा बदबूदार कुकर भी मिला। जब इसके बारे में मनोज से पूछताछ की गई तो उसने रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया। वो उन टुकड़ों को इसी कुकर में उबालता था। इस बीच पुलिस ने शव को काटने में इस्तेमाल की गई आरी को जब्त कर लिया है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।